दोस्तों फिजी पैसिफिक ओशियन में न्यूजीलैंड से 2000 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित 330 से ज्यादा आइलैंड पर बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ की आबादी करीब 9,10,000 है, जिनमें से 40% भारतीय यहाँ रहते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फिजियन और हिंदी है, इसलिए अगर आप फिजी में जाए तो आपको भारत में होने का ही एहसास होगा। फिजी को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी 10 अक्टूबर 1970 में मिली थी। यहाँ की राजधानी सुवा है और सबसे बड़ा शहर नसीनो है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फिजी के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अहमद, आप देख रहे हैं गेट रेडी फॉर फैक्ट, सो लेट्स बिगिन। फिजी देश की इकोनॉमी को पैसिफिक ओशियन में प्रसिद्ध अन्य देशों में से काफ़ी बेहतर माना जाता है। यहाँ की इनकम का मुख्य स्रोत टूरिस्ट से और शक्कर के एक्सपोर्ट से किया जाता है। फिजी की करेंसी फिजियन डॉलर है, जो लगभग 30 भारतीय रुपए के बराबर है। फिजी 330 से ज्यादा आइलैंड में बसा हुआ है। यहाँ के दो बड़े द्वीप हैं विपी लेव और वेनुआ लेव। इन्हीं आइलैंड पर यहाँ की 87% आबादी रहती है। फिजी की 40% आबादी भारतीय है। इसकी वजह यह है कि जब भारत में और फिजी में ब्रिटिश राज्य था, तब अंग्रेज 1889 से लेकर 1961 के बीच में काफ़ी भारतीय मजदूरों को यहाँ गन्ने की खेती के लिए लाते थे। इनमें से बहुत से लोग यहीं बस गए और आज इसे मिनी इंडिया बना दिया। हालांकि ये देश 1970 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हो चुका था, लेकिन अभी भी ये देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। इसलिए यहाँ के फ्लैग में अभी भी यूनियन जैक बना हुआ होता है। दोस्तों यूनियन जैक यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग का नाम है और यहाँ की करेंसी पर यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की फोटो छपी भी होती है। फिजी का सबसे फेमस खेल रग्बी है, जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। यहाँ पर इस खेल की कई टीमें मौजूद है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट अहमद के वीडियो में मजा आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग।